हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनती तो सबके घरों में है, पर हर घर का स्वाद कुछ अलग होता है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर सरसों का तेल। तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले जीरा और काली मिर्च डालेंगे, फिर एक तेज़पत्ता डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, ये दालचीनी का टुकड़ा है, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और ये चक्रफूल है इसे डालेंगे, ये दो छोटी इलायची है इसको डालेंगे, और ये मेरे पास कुछ सौंफ है इसे डालेंगे। अगर इन मसालों में से कुछ भी आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये इसमें पैकेट का मसाला जनरल स्टोर पे मिल जाता है और उसमें सारे मसाले मिक्स रहते हैं और कॉस्टली भी नहीं होते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको भूनेंगे। इनमें से कोई भी खड़ा मसाला अगर आपके मुँह में आता हो, आपको अच्छा ना लगता हो, तो उसे निकाल लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो उसे आप स्किप कर दीजिएगा। इसको हम भूनेंगे। जब खड़े मसाले भुन जाएं तो इसमें हम एक कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये टेस्ट में तीखी नहीं होती है पर एक अच्छा सा कलर देती है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। मेरा ये देखिए चम्मच छोटा है, इसके चम्मच से एक चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम दो प्याज को मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है इसका, इसे डालेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। प्याज को अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब तेल छोड़ने लगेगा प्याज तो आप समझ जाइएगा कि ये पक गया है। अभी तो इसे भूनना है, एक दो मिनट भूनेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा तो इस पर तेल ऊपर आने लगेगा, तेल छोड़ने लगेगा। अब इस स्टेज पे हमने दो टमाटर का पेस्ट तैयार किया है। अब ये दो टमाटर का ये पेस्ट मैं डालूंगी, अच्छे से चला लेना है, इसको पकाना है। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। इसे दो तीन मिनट ऐसे ही चलाते रहना है, इसको अच्छे से भूनना है। अब इस स्टेज पे हमारा टमाटर प्याज थोड़ा भुन गया है और हम इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च, इसे मैं कूच के डालती हूँ। कूच के डालने से टेस्ट अच्छा आता है। करीब ये 10 कलियाँ हैं लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, और ये 2 मिर्ची है, इसे मैं कूट के डालूँगी। ये अदरक लहसुन हमने कूट लिया है। बहुत महीन पेस्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, थोड़ा ददरा भी चलेगा। इस पेस्ट को मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी में, इससे टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा चलाना होगा, एक दो मिनट इसको और चलाएंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मैजिक मसाला। ये इजीली दुकानों पर अवेलेबल होता है। थोड़ा सा डालेंगे हींग, हींग थोड़ी सी डालेंगे, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, तो स्वाद भी इसका बढ़ता है। मसाला हमारा भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम 2 कटोरी पानी डालेंगे, 1 कटोरी, 2 कटोरी। 3-4 मिनट ग्रेवी पकने के बाद अभी इसको हम थोड़ा सा ढक्कन हटा लेते हैं। इसको देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आ गया है। ग्रेवी हमारी लगभग पक चुकी है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच ये नमक डाल रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम पनीर डालेंगे।
पनीर मैंने क्यूब्स में काटे हैं, ये 200 ग्राम पनीर है। आप खुले में भी पनीर ले सकते हैं, पैकेट में भी आता है, आपकी चॉइस है। अब इस स्टेज पे हम ये एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इससे इसका स्वाद बढ़ता है। इसे थोड़ा सा ऐसे मैश करके थोड़ा सा मसल के तब डालेंगे, हल्का सा चलाएंगे। अगर आप ग्रेवी पतली खाते हैं तो इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो सही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें धनिया डालेंगे, बारीक कटा धनिया डाल सकते हैं। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एक बार पकाइए इसको मेरे तरीके से, हल्का सा चलाइए इसको। ग्रेवी भी देखिए कितनी गाढ़ी सी है, अच्छी सी आई है, ये देखिए। अब ये पनीर हमारा पक चुका है। पनीर की सब्जी बनने के बाद अब मैं इसे सर्व करूंगी। पनीर की सब्जी बन गई है और इसे मैंने सर्व कर दिया है। सर्व करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे हम हल्का सा थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे, और ये बन गई हमारी पनीर की सब्जी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।